पश्चिम से लेकर दक्षिण तक दुनिया के तमाम देश अब धीरे धीरे अपने ट्रांसपोर्टेशन को ई व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और ऐसे में भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार का मिलना किसी जैकपॉट लगने से कम नहीं है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है, और ये भी कोई छोटा मोटा भंडार नहीं है, और इसकी कुल क्षमता 49 लाख टन है, और जो चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और इस खोज के बाद भारत लिथियम कैपेसिटी के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई आइटम्स के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत अभी दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत के लिए ये खोज बड़ी करामाती साबित हो सकती है, और अभी तक भारत में जरूरत का 96% लिथियम आयात किया जाता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। भारत ने वित्त वर्ष 2020 और 2021 में लिथियम आयन बैटरी के आयात पर ही 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और इसके अगले साल यानी 2021 और 22 में भारत ने 13,838 करोड़ रुपए लिथियम आयन बैटरी एक्सपोर्ट की थी। भारत लिथियम का सबसे ज्यादा आयात चीन और हांगकांग से करता है, और साल दर साल आयात की मात्रा और रकम में जोरदार इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत 80% तक लिथियम का आयात चीन से करता है, लेकिन अब देश में लिथियम का जो भंडार मिला है वो चीन के कुल भंडार से करीब 4 गुना ज्यादा है। इलेक्ट्रिक वाहन पर फोकस बढ़ाने के बाद से भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर। अगर दुनिया भर में लिथियम भंडार की स्थिति को देखें तो इस मामले में चिली 93 लाख टन के साथ पहले नंबर पर है, वहीं ऑस्ट्रेलिया 63 लाख टन के साथ दूसरे नंबर पर है, और कश्मीर में 59 लाख टन भंडार मिलने से भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। आपको बता दें कि अर्जेंटीना 27 लाख टन भंडार के साथ चौथे, और चीन 20 लाख टन भंडार के साथ पांचवें। इस भंडार के मिलने से पहले से ही भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलीविया जैसे लिथियम के धनी देशों की खदानों में हिस्सेदारी खरीदने का पर काम कर रहा है, और इसी के साथ अफ्रीकी देश भी भारत से लिए गए उधार के बदले लिथियम समेत कई तरह के खनिजों के भंडार की खदानों को भारत को देने के लिए तैयार है।